हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त विवेक सक्सेना और आप सभी लोग देख रहे हो विकरा चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं बबल कीबोर्ड ऐप के बारे में। जी हां दोस्तों, यह ऐप क्या है, कैसे यूज करते हैं, सारी डिटेल हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बने रही इस वीडियो के साथ दोस्तों। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना है, उसके बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो 10 मिलियन से ज़्यादा लोग इसको इंस्टॉल कर चुके हैं और काफ़ी लोगों ने यहाँ पर 4.4 की रेटिंग दी है। तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम ओपन कर देते हैं। यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। ओके, अलाउ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप इस ऐप को किस लैंग्वेज में यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पर टाइपिंग लैंग्वेज नहीं मांग रहा है, यहाँ पर आपको यूज करने का लैंग्वेज मांग रहा है। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इनेबल बबल कीवर्ड का ऑप्शन है, तो आप बबल AI कीवर्ड पर क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो ये टाइप वाला लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में आप टाइप करते हो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ओके, जैसे मैं हिंदी इंग्लिश कुछ इस तरीके से यहाँ पे कई लैंग्वेज में लिखता हूँ, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मराठी भी सेलेक्ट कर सकते हो। डन, उसके बाद यहाँ पर डन का ऑप्शन है, दोबारा से डन पर क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर आप चाहो तो इसको सेलेक्ट कर सकते हो बैकग्राउंड कीबोर्ड का, लेकिन नहीं सेलेक्ट करना कोई बात नहीं, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे लोकेशन मांग रहा है तो इसको इनेबल नहीं करूँगा और उसके बाद अलाउ पर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे बोला कि आप कोई भी इमोजी भी सेलेक्ट कर सकते हो, इमोजी भी लोगों के पास सेंड कर सकते हो सर्च करने के बाद। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं सर्च करके दिखाता हूँ जिस तरीके से ये बता रहा है। जैसे मैं यहाँ पर मोदी टाइप कर देता हूँ तो मोदी के जो इमोजी है आ जाएंगे कुछ इस तरीके से, देख सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे जो प्रोसेस है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए मैं व्हाट्सएप पे चलता हूँ और व्हाट्सएप पे मैसेज करके बबल कीवर्ड से मैसेज करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो चलिए व्हाट्सएप ओपन कर देते हैं और यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो बबल कीबोर्ड वो सेलेक्ट हो चुका है, ये देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट में हो चुका है। अब यहाँ पे हम कुछ भी मैसेज टाइप करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये दिखाएगा। ओके, अब जैसे कि देख सकते हो ये जो इमोजी वाला ऑप्शन है, यहाँ पर इमोजी वाले ऑप्शन भी आ जा रहा है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो राइट में ये जो आइकन का ऑप्शन है, ये आलिया भट्ट लगी हुई है, तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इमोजी आप सेलेक्ट कर पाओगे, जो भी इमोजी भेजना चाहो वो भी भेज पाओगे। ओके, अब यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ किसी दोस्त के पास, मैं अपने पास टाइप कर रहा हूँ हाय विके राजा हाउ आर यू, ठीक। तो इस तरीके से टाइप कर रहा हूँ और यहाँ पर देख सकते हो रेड रेड बन के आ जा रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, मतलब आपको रंगीन जो है शब्दों को भेजना है। ओके, कुछ इस तरीके से, जैसे कि देख सकते हो हाय विके राजा हाउ आर यू। तो जैसे आप टाइप करोगे यहाँ पे सजेशन में आ जाएगा कि आप क्या टाइप कर रहे हो, आपको क्या भेजना चाहिए, तो आपको जस्ट उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं हाय विके राजा हाउ आर यू भेज दिया हूँ, कुछ इस तरीके से देख सकते हो, काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। और इसी तरीके से आप किसी के पास भी रंगीन मैसेज इस तरीके से भेज सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि बबल कीवर्ड को यूज कैसे करते हैं और इस पर सेटिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।